हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शॉर्टकट ट्रिक के इस वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अल्टीमेट, एक बहुत ही ऑसम क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो कि ऑर्डर रैंकिंग का होने वाला है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता ये कितने हैं। एक स्ट्रेट रो के अंदर ये बैठे हुए हैं इसी तरीके से, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, सभी की फेसिंग नॉर्थ की तरफ है। अरुणिमा जो है 19th नंबर पे आती है राइट हैंड से। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ से अरुणिमा है, एंड अरुणिमा इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। इसके अलावा बोला गया अरुण इज 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन, यानी इधर से अरुण आता है और अरुण यहाँ से कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे आ रहा है। ओके, बोथ अरुण एंड अरुणिमा ये क्या करती है, अपनी पोजिशन को इंटरचेंज करेंगी, यानी कि इस जगह पे अरुणिमा आ जाएगी और इस जगह पे अरुण आ जाएगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ ये नई पोजीशन किसकी हो गई, अरुण की हो गई, और ये नई पोजीशन किसकी हो गई है, अरुणिमा की हो गई है। क्लियर है? तो ये पोजीशन अपनी यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर विच कृतिका वाज 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी कृतिका जो है वो बाई ओर से, यानी इस तरफ से काउंट करेंगे तो 24वें नंबर पे आती है, एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ अरुण्स न्यू पोजीशन। अब अरुण की जो पोजीशन है उससे लेफ्ट में 5वें नंबर पे आएगी। अब आप सभी को पता है कि सभी के सभी फेसिंग नॉर्थ है, तो ये लेफ्ट साइड होता है और ये क्या होता है, राइट साइड होता है। अब अरुण यहां से कितने नंबर पे, 19वें नंबर पे है। अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो 19 में कितना ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा, 5th नंबर पे है कृतिका, तो 19 और 5 कितने हो गए, 24वें नंबर पे आ गए। करेक्ट है? अब देखो ये इधर से 24वें नंबर पे है और ऑलरेडी गिवन है कि जो कृतिका है वो लेफ्ट हैंड से भी 24वें नंबर पे है, यानी इधर से भी ये 24th नंबर पे आती है। यानी कि कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड से भी 24th है और राइट हैंड से भी अरुण के 5th होने की वजह से ये 24th हो गई। तो टोटल अगर निकालना है तो 24 + 24 - 1, दैट इज 47, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 47। क्लियर है? सो गाइज, ये था हमारा आज का बहुत ऑसम क्वेश्चन, किस तरीके से रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसका एक ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ऐसी क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जिसकी भी नई पोजिशन दी जा रही है उसकी एक तो नई पोजिशन को लिख लो। क्लियर है? अब यहाँ पे अरुणिमा 19th नंबर पे राइट हैंड से, समझना मेरी बात को, और अरुण जो आता है वो 15th नंबर पे आ रहा है लेफ्ट हैंड से। अब यहाँ पे किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, अरुण के लेफ्ट में, अरुण के रेफरेंस में बात कर रहा है, जबकि इंटरचेंज होगा तो अरुण की पोजीशन जो 15 है अब वो क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड पे मूव करना है तो इधर से तो ऑब्वियस ही बात है 19th है, लेफ्ट हैंड पे मूव करेगा तो +5 होके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप इसी पोजीशन में +5 करके 24 + 24, यानी कृतिका की पोजीशन इधर से भी 24, इधर से भी 24, और अगर किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से आपको पता होती है तो जस्ट क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट, तो 24 - 24 - 1, दैट इज 47 इज द राइट आंसर। आई होप सो आप सभी को बड़ा मजा आया होगा इस शॉर्टकट ट्रिक के वीडियो में। तो आप सभी के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।